जिला बिलासपुर के झंडूता उपमंडल में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खूनी संघर्ष सामने आया है। मारपीट में भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुआ है। मारपीट के बाद भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। जिला बिलासपुर के झंडूता उपमंडल में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं मारपीट के बाद भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को वहां से भगाया, जिसके बाद माहौल शांत हुआ, जबकि घायल भाजपा के कार्यकर्ता को झंडूता अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। इधर पुलिस ने इस बारे में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। खबर की पुष्टि थाना प्रभारी संजीव कुमार ने की है। जानकारी के अनुसार भाजपा कार्यकर्ता अक्षय कुमार ने बताया कि वह बलधार पंचायत में पार्टी पोस्टर लगाने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान कांग्रेस के लोग वहां नशे में धुत होकर पहुंचे, जो कि ऊना से राहुल गांधी की रैली से लौट रहे थे। इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। इस दौरान कांग्रेस के लोगों ने उसके साथ गाली गलौज भी किया है। झंडूता पुलिस ने अक्षय की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मेरा नाम अक्षय जिंदेल है और मैं झंडूता का रहने वाला हूँ। और मैं 8:30 बजे BJP के पोस्टर अनुराग जी का प्रचार कर रहा था और उन्होंने मेरे को मना किया। कांग्रेस की पार्टी ने मेरे को मना किया पोस्टर लगाने के लिए और मैं उसने मेरे घर वालों को भी गाड़ी क्लोज करने लगे और मैं वो मेरे से लड़ाई करने लग गए। तो मैं उसका प्रशासन उचित मांग चाहता हूँ। भाजपा मंडल झंडूता के महामंत्री दिनेश चंदेल ने बताया कि मारपीट के बाद जब वह घायल कार्यकर्ता को अस्पताल लाया गया तो वहां पर भी कांग्रेस के लोग आ धमके और भाजपा को धमकियां देने लगे, जिससे माहौल अस्पताल में भी तनावपूर्ण हो गया। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस सारी स्थिति को कंट्रोल में किया। चंदेल ने कहा कि अगर मारपीट करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वह चक्का जाम भी करेंगे। कुछ गुंडा लोग कांग्रेस के ऊना से राहुल गांधी की रैली से वापिस आ रहे थे तो उन्होंने उसे डराया धमकाया कि आप अनुराग जी के पोस्टर क्यों लगा रहे हैं। तो उसने बोला कि मैं इन पोस्टरों को लगाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि हम लगने नहीं देंगे। तो उसी दौरान उन्होंने उसके साथ मारपीट की और धक्का मुक्की की और उसके आंख के ऊपर एक बहुत बड़ा पंच मारकर उससे खून निकाल दिया। तो झंडूता मंडल इसकी कड़ी भर्त्सना करता है, निंदा करता है। इसको पहले भी लड़के को इन्होंने 5-7 लड़के हैं जो कांग्रेस के गुंडा गर्दी करते हैं, शराब पीते हैं रोज और खुलेआम इसको गालियां देते हैं और इसके साथ गाली गलौज करते हैं। इसके घर वालों को भी आज इन्होंने गाली गलौज की। तो इसका झंडूता मंडल कड़ी शब्दों में निंदा करता है और प्रशासन से मांग करता है कि अगर इसके खिलाफ आपने इन गुंडों के खिलाफ कांग्रेस के उचित कार्रवाई नहीं की गई तो सारा भारतीय जनता पार्टी का मंडल और युवा मोर्चा सड़कों पर उतरेगा। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।